हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात करूंगी प्रोटीन के बारे में कि हमारी बॉडी को प्रोटीन की क्यों जरूरत है। हमारी बॉडी का 20% जो हिस्सा है वो प्रोटीन से बना होता है, इसलिए प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन हमारी बॉडी पे क्या काम करता है, हमारी बॉडी के सेल्स की रिपेयर के लिए, टिश्यू के लिए, बोन्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, यानी बॉडी के हर एक पार्ट के लिए, हमारी मसल्स के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन हमें चाहिए कितना, जितना किसी का वेट है उतने ग्राम प्रोटीन उसे डेली चाहिए। लाइक जैसे अगर किसी का 50 kg वेट है और उसको 50 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, तो देखिए अगर हम जो डेली डाइट ले रहे हैं उससे ये प्रोटीन हमारा कभी भी नहीं पूरा होता, इसलिए एज ए सप्लीमेंट हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन हमारी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोटीन कितनी एज में कितना चाहिए। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं, उसमें उनके लिए प्रोटीन काफी जरूरी है, बिकॉज उनकी एज बढ़ रही है, ग्रोइंग टाइम है, इसलिए उनकी मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे 12 से 18 साल के बच्चों के लिए, उसमें प्रोटीन बहुत नीड है, बिकॉज उनमें हार्मोन्स जो बैलेंस है, इनबैलेंस है, उसे बैलेंस करने के लिए प्रोटीन चाहिए। उसके बाद अगर हम करेंगे कि 18 साल से बाद है, जो मसल्स की रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, यानी अलग अलग एज में अलग अलग काम के लिए प्रोटीन चाहिए ही जरूरी, बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एमवे का न्यूट्रोलाइट प्रोटीन है वो क्यों बेस्ट है, जो हमें मार्केट में दूसरे प्रोटीन अवेलेबल है वो उससे ये हमारा प्रोटीन क्यों बेस्ट है। फर्स्ट नंबर पे जो हमारा प्रोटीन है वो प्लांट बेसिस है, यानी प्योर विगन प्रोटीन है। विगन प्रोटीन क्या होता है कि इसमें कोई भी एनिमल सोर्सेज नहीं है, ये सोया से, पीस से और वीट से बना हुआ है, यानी इसमें येलो कलर के मटर है जो प्रोटीन का हाई सोर्स है, यानी ये इसके इसलिए ये पीडी का स्कोर 1 है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत इजी अच्छा है, हमारी बॉडी में बहुत अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाता है। और कई बार हम कहते हैं कि हम जैसे कई लोग नॉनवेज प्रोटीन लेते हैं, चिकन हो गया, एग हो गया, ऐसी चीजें भी ले रहे हैं, लेकिन नॉनवेज जो प्रोटीन है उसकी बॉडी को अलग नीड होती है, हमारी बॉडी को वेजिटेरियन प्रोटीन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए विगन प्रोटीन भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन हैं उनका तो प्रोटीन डेली बिल्कुल भी नहीं पूरा होता, क्योंकि जो हम वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं उसमें हमें जितना प्रोटीन चाहिए वो हमारी डेली डाइट में बिल्कुल भी पूरा नहीं होता, इसलिए हमें डेली अपनी डाइट में एक्स्ट्रा प्रोटीन जरूर ऐड करना चाहिए। सेकेंड नंबर पर हम बात करेंगे कि जो हम प्रोटीन ये ले रहे हैं हमारा, इसमें खासियत क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया ये प्योर विगन है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर या प्रिजर्वेशन नहीं है। सेकंड नंबर में किया कि जो हम ये प्रोटीन का एक स्कूप यानी 10 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं उसमें ये 8 ग्राम प्योर प्रोटीन है, यानी हमें इतना प्रोटीन मिल रहा है, इसलिए हम अगर एज के अकॉर्डिंग अगर हमारी 30-40 साल है, अगर हम 2-3 स्कूप भी दिन में ले लेते हैं तो भी मतलब ज्यादा नहीं है। तो इस तरह प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, हमारी सेल्स के लिए, सेल्स को रिपेयर करने के लिए, हमारे टिश्यूज के लिए, हमारी बॉडी पे प्रॉपर वर्क के लिए हमारी प्रोटीन डेली डाइट में हमें जरूर ऐड करना चाहिए। इसकी वजह से ही हमारी मसल्स वीक होती हैं, हड्डियों में कमजोरी आती है और वीकनेस फील होती है। और कई बार ये भी कहा जाता है कि जो प्रोटीन हम जो एक्स्ट्रा, कई बार प्रोटीन किडनी पे इफेक्ट डाल देता है, ज्यादा प्रोटीन हम लेते हैं, ये बिल्कुल सही है, ज्यादा प्रोटीन किडनी पे इफेक्ट डालता है, लेकिन वो कौन सा प्रोटीन है, मतलब आप कौन सा प्रोटीन ले रहे हैं, वो अलग प्रोटीन होता है जो किडनी पे इफेक्ट डालता है। जैसे एग्जाम्पल, लाइक एक तरफ आप दूध ले रहे हैं, ब्रोकली खा रहे हैं, वो प्रोटीन हो गया। सेकंड नंबर दूसरी साइड आप चिकन खा रहे हैं या अलग तरह से, वो उसे डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन क्या हम ब्रोकली खा रहे, दूध पी ले, उसे डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लेगा। ये विगन प्रोटीन भी सेम वही है जो हमें डेली डाइट में चाहिए, इसलिए हमें हमारी डाइट में डेली प्रोटीन जरूर ऐड करना चाहिए, बिकॉज प्रोटीन हमारी बॉडी के 20% हमारा हिस्सा है जो प्रोटीन से बना हुआ है बॉडी में, इसलिए हमारी बॉडी के हर एक पार्ट के लिए हमें हर एक एज में प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो डेली डाइट में हम प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है वो मतलब बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारी जो डेली डाइट में जितनी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की पूरी नहीं हो रही, और वो जो डेली डेफिशिएंसी है बढ़ के वो बहुत ज्यादा हमारे डाइट में हमारी बॉडी में गैप हो जाता है। इस कारण हमें हमारी प्रोटीन में डेली डाइट में प्रोटीन जरूर ऐड करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।